हेलो हेलो, तो गाइस जरा ये लोकेशन चेक करो एक बार। भाई साहब गाइस बड़ा मजा आ रहा है आज तो, मौसम इतना प्यारा सा हो रहा है, इतना प्यारा। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब मस्त होंगे गाइस। तो गाइस आज का जरा मौसम चेक करो आप लोग एक बार, मतलब कि देहरादून का मौसम यार बड़ा ही ऑसम मौसम है भाई, गॉड मज़ा आता है। आज का तो पूरा मौसम ही बड़ा सच्ची हो रखा है। तो ऐसा मौसम हो और राइड पे ना जाओ तो मतलब तो बेकार है ना आपका राइड करने का। तो गाइस मैंने देखा मौसम बड़ा ऑसम हो रहा है, तो अपने ऑसम मौसम के साथ अपना मौसम बनाने निकल चुका हूँ मैं। और इसी के साथ साथ बच्चे के रिएक्शन मिलते हैं। तो गाइस अभी जा रहे हैं एक राइड पे और आज मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा कुछ नए राइडर से जो मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। और गाइस उनमें से एक भाई है जिन्होंने अभी ब्रांड न्यू KTM RC BS6 मॉडल खरीदा है, सेम हमारी टोक्यो जैसा, डिट्टो इसकी बहन बोल सकती हो, इसकी बहन बोल सकते हो आप लोग उसको, बिल्कुल डिट्टो यार। वो बहुत देर करीबन हार्डली 30 मिनट से वो मेरा वेट कर रहे हैं। सो मैं बहुत देर से उन्हें वेट करा चुका हूँ और यार इससे ज़्यादा वेट कराऊंगा ना तो चले जाएंगे मुझे छोड़ के मुझे लगता है, बट वो बेचारे मेरा बहुत देर से वेट कर रहे हैं और इतना वेट नहीं कराना चाहिए। तो बल्लूपुर से आप पहुँच चुके हैं और जियो पेट्रोल पम्प पे मीटअप था हमारा और मैं हो गया हूँ लेट और सीधा चलते हैं जियो पेट्रोल पम्प पर। और ये खड़े हैं, क्या हाल है भाई, कैसे हो, क्या हाल है भाई? यार सॉरी थोड़ा लेट हो गया। तो गाइस मिलो भाई की बाइक से। हाँ फ्यूलिंग करा ली आप लोगों ने? फ्यूलिंग करा ली? तैयारी हो चुकी है और सारे भाई लोग हम मिल चुके हैं इकट्ठे। हम चार राइडर हैं आज, एक ड्यूक 250 हमारे साथ, दो टोक्योज हैं, एक ब्रांड न्यू हाई बेबी। हाय तेरी गर्ल रिएक्शन तो प्यारे प्यारे मिल रहे हैं, सही में तो बच्ची निकली। तो गाइस दो टोक्यो हैं, एक R15 है, एक ड्यूक 250 है और कुछ बच्चों के रिएक्शन बटोरते हुए मैं तो निकलता हूँ। और पीछे के राइडर्स काफ़ी पीछे हैं और ब्लॉगिंग बन रही है, मेरी वीडियो बना रही है भाई लड़की, मुझे व्हाट्सएप कर देना। सो गाइस चारों निकल चुके हम लोग और बच्चे वीडियो बना रहे थे यार, इतना अच्छा, मतलब मेरे को इतने शर्म से आ रही थी लेकिन यार अच्छा भी लग रहा था। तो मैंने थोड़ी सी और, मैंने कहा जब वीडियो बना रहे हैं थोड़ी और अच्छे से बनाते हैं। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं चारों और देखो बैंकर जहाँ से दिख रहा है गैप निकल जाओ बस। और गाइस पूरा आग बबूला हो रखे सारे लड़के, मुझे लग रहा पेलेंगे। अब कोई नहीं, रेस वाला माहौल नहीं है बट मजे पूरे लेंगे। तो गाइस देख सकते हो क्या पेल रखे, मतलब सामने तो राइडर्स पेल पे आ रहे हैं, मैं 100 पे चल रहा हूँ ऑलमोस्ट और वो 100 पार चल रहे हैं। ओ भाई V3 वाला पूरा, और भाई 250 वाला पूरा टक्कर देते हुए, पूरा टक्कर दे रहा है लड़का पूरी। और गाइस चेक कर रहे हैं, देख रहे दो टोक्यो एक साथ, मतलब ना अलग ही मतलब फील आ रहा है, मतलब ना कुछ आज राइड करने में। अच्छा सा लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है मैं अपने आप को देख रहा हूँ। गाइस हल्के हल्के मस्ती मजाक करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं सप्लाई चौक पर। और गाइस सप्लाई चौक पे ये टैंक चेक करो यार एक बार, देख सकते हो यार कितना सही लग रहा है, मतलब पेंट कर दिया इसको ना, पहले ऐसी था, इतना प्यारा बना के लग दिया, देखो यार सही लग रहा है, देख रहे हो, आय हाय मतलब मज़ा आ गया देख के। गाइस देख सकते हो ये हो रही है लीन हल्की हल्की और चारों ही बंदे हम साथ में चल रहे हैं और मैं चल रहा हूँ इस टाइम पे सबसे पीछे, क्योंकि सबसे आगे चलने में मज़ा है बट इनको कवर करते हुए चलूँगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस कवर भी करना चाहिए लोगों को,
कवर करते हुए चलेंगे। और अगर देखा जाए तो हम दो आरसी वाले एक साथ चल रहे हैं और R15 और जो 250 साथ में लीन कर रहे हैं। देखो भाई जैसे ही मौका मिला सारे के सारे लड़के फुल थ्रॉटल देने से बाहर नहीं आते भाई। हमें किसी रोड ट्विस्टेड हो और साफ हो फिर देखो भाई लीन लीन क्या तेल देते हैं पूरा फुल थ्रॉटल। सो गाइस जरा आज किमाड़ी वाले रास्ते का जरा व्यू चेक करो। और गाइस जिस लोकेशन पे आज हम लोग जा रहे हैं मैं उस लोकेशन पे फर्स्ट टाइम जाऊंगा और वो भी अधिकारी भाई ने हमें बोला है कि मैं लेके चलता हूँ गाइस तुम लोगों को अगर तुम लोगों ने नहीं देखी है तो। और उस जगह का नाम जो है मैं रिवील कर रहा हूँ उस जगह का नाम है कुछ इस प्रकार। भाई हमें बता रहे थे जैसे हमने सुना है माल देवता, भाई बोल रहे हैं नाथ देवता। अब नाथ देवता तो मैंने नहीं सुना हाँ बट माल देवता मैंने ज़रूर सुना है। तो भाई बोल रहे हैं कि एक प्यारी लोकेशन है तो आज वहीं चलते हैं। तो मैंने सोचा आज उसी को कवर करते हैं आज वहीं चलते हैं। तो आज नाथ देवता हम फाइनली जा रहे हैं हम चार लौंडे। अब गाइस ये व्यू चेक करो गाइस देख रहे हो गाइस हाय मतलब एक तो मौसम इतना प्यारा हो रहा है ऊपर से खाली रोड मिल रही है ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिल रहा है और उसके साथ साथ हम चार लौंडे सांप बनाते हुए जा रहे हैं और मेरे साथ वाले निकल जा रहे हैं बार बार अधिकारी भाई पीछे हमारे। गाइस लोकेशन चेक करो एक ही तो रास्ता इतना प्यारा है ना यार दोनों साइड ग्रीनरी है बीच में जिगजैग रोड है और मोस्टली इसमें ट्रैफिक नहीं मिलता ना के बराबर होता है। तो गाइस बहुत प्यारा रास्ता है ये अगर आप लोग बिना ट्रैफिक वाली रोड को फेस करें मसूरी वगैरह जाना चाहते हो तो इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि इस रास्ते जाओ। हम जा रहे हैं सीधा नाथ देवता की साइड एंड आज मैं फर्स्ट टाइम इस साइड जा रहा हूँ वरना हमेशा हाथी पांव वाले रास्ते से होते हुए कि मार निकल जाते थे हम लोग। सो आज फर्स्ट टाइम है मेरा नाथ देवता जाने का मौका मिला है आज तो चलते हैं। और गाइस बड़ा मज़ा आ रहा है आज तो मौसम इतना प्यारा सा हो रहा है इतना प्यारा मौसम अरे वाह। ओ तेरी पैन की लक्की ओए लग गई गोटे टूट जाते वही बज गए। छोटी मसूरी दिखाऊं देखो गाइस देख रहे हो ये किमाड़ी के लोग हैं जिनका ये घर है यहाँ पर देखो आप अगर आप देख पाओ तो देखो कहाँ बना रखे हैं देख रहे पहाड़ों में बिल्कुल क्या मस्त लग रहा है। इसको अगर मिनी मसूरी बोला जाए तो कोई बुरा नहीं होगा। देखो यार कितने प्यारे प्यारे घर बना रखे हैं इन लोगों ने और कहाँ कहाँ लकड़ी के भी घर हैं नीचे। और भाई ऐसी भी जगह ओ माय गॉड इतनी भीड़ ऐसी भी जगह यहाँ पे कोई मुझे तो पता नहीं था। ओ भयंकर ओ भाई क्या जगह बना रखी है टूरिस्ट प्लेस है पूरी। सो गाइस जरा ये चेक करो एक बार ओ भाई क्या सही है चिड़ीनुमा खेत वहां पर है और भाई साहब क्या सही है हाँ क्या मस्त लोकेशन लग रही है देख रहो पहाड़ों के बीच में और ये है किमाड़ी के पहाड़ जो ऊपर जाते हैं और यहाँ एक प्यारा सा मंदिर जिसको नाथ के नाम से जानते हैं नाथ देवता के नाम से। ओ भाई वो कितने क्यूट हैं आपका तो नहीं है ने? वो कितना क्यूट है ये पकड़ना इसको पकड़ना पकड़ना भाई इसको जरा एक बार कितना क्यूट लग रहा है मेल है फीमेल है ओए ओए कितना क्यूट है मेल है भाई ओ भाई कितना प्यारा था ये कितना क्यूट लग रहा है देखना
लो खेल लो जाओ। तो क्योंकि कितना प्यारा सा है, कितना मस्त लग रहा है चलते हुए। अच्छा सो गाइज लोकेशन चेक करो यार एक बार, देख सकते हो यार क्या ही प्यारा लोकेशन है, क्या ही प्यारा वेदर है गाइज यहाँ का। देखो आप एक बार लोकेशन क्या सही है। और गाइज इन लड़कों के विदाउट हेलमेट के, विदाउट हेलमेट इनके चेहरे देखो, ये देखो गाइज दिखा दो कोई लड़की से हट जाए। गाइज ये चेक करो व्लॉगर साहब, यही है, यही है वो, यही है वो अधिकारी भाई जो हमसे रेस लगाते हुए हमें मिले थे कुछ दिन पहले। सो गाइज बहुत प्यारी लोकेशन है और मैं किमाड़ी जाता था, मेरे को तो पता नहीं था और क्या, वही तो देखा था सबसे पहले मीटर पे। सो गाइस मैंने पढ़ लिया था, इतनी प्यारी जमीन, इतना प्यारा यहाँ एक प्लॉट ले लो, मैं तो कह रहा हूँ इतनी प्यारी लोकेशन है, कितना ज़्यादा प्यारी लोकेशन है। मतलब कि टाइम स्पेंड करना हो तो यहाँ हो यार, किमाड़ी में क्या रखा है, मंदिर भी है पीछे मेरे, अभी वहाँ भी चलेंगे। और कितना प्यारा लोकेशन है और यहाँ का व्यू देखो, और इस व्यू से भी ज़्यादा जो क्यूट और प्यारा सा मुझे लगा वो ये दो हैं, देखो उनको कितने छोटे छोटे से। ओ भाई सीना, क्या नाम रखा भैया का इसका है सीन, ओ, सीना। अच्छा सीनू, अच्छा शीमिल है, है सीनू। अच्छा हाय, कितना क्यूट लग रहा है। चैनल का क्या नाम है? नॉडी व्लॉग्स। सही में कितनी प्यारी सी भाई, देखना यार, इधर आओ भाई, गिर जाओगे, इधर आओ, नहीं लेके भाग रहा मैं तुम्हें, भैया आ गए वरना लेके भाग जाता। चलो जाओ खेलो, जाओ स्टॉप कर दूं, लाइए दिखाओ, प्यारे से यार ये मेल है भाई। हेलो हेलो, और शांति भी काफी है, एक फैमिली आ रखी है बस। और लोकेशन के मजे देखो यार आप लोग, मंदिर भी है, मंदिर अभी बंद है, अदरवाइज मंदिर भी जाते हैं, बहुत प्यारी लोकेशन है। आपको भी आना हो तो आ सकते हो, किमाड़ी के रास्ते से मैंने आपको पूरा व्लॉग दिखाया है, कहीं भी स्किप नहीं कराया, तो आराम से आ पाओगे आप लोग। और थोड़ी देर यहाँ पे टहलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा लग रहा है, और बाइक चला चला के हालत भी थोड़ी पतली हो गई थी, तो थोड़ा सोचा घूम लिया जाए। तो घूम रहे हैं और काफ़ी सारे यार दोस्त हमारे साथ आ रखे हैं यहाँ पे, तो इन्जॉय करते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से घर। और अगर आप लोगों को यह व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल पर जाओ सब्सक्राइब का बटन दबाओ यार, दबाओ बहुत ज़रूरी है, जल्दी जल्दी ग्रो कराओ। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो नॉडी व्लॉग्स जब बंदे लिखते हैं तो अभी एक भाई का चैनल आता है, मैं चाहता हूँ उस भाई की जगह मेरा नाम आ जाए, ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो गलती से किसी और को सब्सक्राइब ना करें। तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ, फिर मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक ले टट्टा, बाय, बी सेफ बी राइट, बाय।